सो फाइनली दोस्तों, एक और नई भर्ती आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यूपी के अंदर होमगार्ड की नई भर्ती निकाली गई है, काफ़ी बड़ी भर्ती रहने वाली है। 35 से 40 हज़ार के समथिंग आपकी यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा पेपर कटिंग भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक लीजिए। इसके अलावा एज लिमिट क्या रहने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और किस डेट से आपके यहाँ पे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, तो सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जो नई भर्तियाँ हैं वो इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सो गाइस, यहाँ से अपन जो है सारी की सारी अपडेट देख लेते हैं कि आपको यूपी होमगार्ड के अंदर किस प्रकार से जो है भर्ती निकाली गई है। यहां से आप देख सकते हो 35,000 प्लस की जो बंपर भर्ती है यूपी होमगार्ड के अंदर यहां पे निकाली जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के तहत यूपी होमगार्ड भर्ती 2024 में 35,000 होमगार्ड के पदों पर जो है भर्ती निकालने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि फिलहाल आपके जो है इलेक्शन चल रहे हैं, इसी कारण आपकी जो यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है वो थोड़ा सा डिले हो रही है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में जैसे ही आपके रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट होंगे इलेक्शन के, उसके बाद में आपकी यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट है वो यहाँ पर जरूर निकल कर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगभग 35,000 जो पद हैं वो खाली हैं। हर साल 4,000 जवान जो है रिटायर हो रहे हैं और महिलाओं के 4,000 पद में से 1,500 पद जो है खाली बताए जा रहे हैं। यानी कि ये जो भर्ती रहेगी ये आपकी फीमेल की भी रहने वाली है और इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये जो भर्ती है वो रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी भर्ती है वो यहाँ पे आपकी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेपर कटिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बढ़ता ही जा रहा है होमगार्ड विभाग में भर्ती का इंतजार। आपको पता होगा कि ये जो भर्ती है वो 2023 से आपको लगातार बताई जा रही है कि यूपी के अंदर होमगार्ड की भर्ती जो है निकाली जाएगी, लेकिन फिलहाल 6 महीने यहाँ पे हो चुके हैं भर्ती को लेकर के, फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अब यहाँ पे जो आशंका है वो यही जताई जा रही है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में आपको यहाँ पर जो है भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 35,000 जो पद है वो यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 20% महिलाओं को भर्ती करने की हो चुकी है घोषणा, ठीक है। यानी कि फीमेल को भी यहाँ पे जो है मौका मिलने वाला है भर्ती के अंदर और मेल को भी कैंडिडेट को भी यहाँ पे जो है दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे जो है मौका मिलने वाला है। यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं कि होमगार्ड विभाग में खाली लगभग 35,000 पदों पर भर्ती का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। विभाग में 7 सालों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। 2018 में प्रयागराज में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उसके बाद में फ्रेश भर्ती नहीं हुई, यानी कि कुल मिलाकर के होमगार्ड की जो भर्ती है वो पिछले 6-7 साल से नहीं हो पा रही है। इन्हीं कारणों की वजह से आपको जो 35 से 40 हज़ार जो पद हैं वो यहाँ पे आपको जो है खाली देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आशंका मिल सकती है, जो उम्मीद है वो यही जताई जा रही है कि नई सरकार जैसे ही आएगी वो यूपी के अंदर होमगार्ड की जो भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर ज़रूर लाने वाली है, ठीक है। इस प्रकार की इसकी जो अपडेट है वो क्या रहने वाली है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। खाली पद मैंने आपको बताई दी है, 35,000 आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सैलरी वगैरह जो है आपकी यहाँ पे जो है आप देख भी सकते हैं, 15,000 से आपकी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद में आपको जो है अलाउंस वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको जो सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार के लमसम पहुँच जाती है, ठीक है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 से 45 साल जो है यहाँ पे आपको एज लिमिट दी गई है। एज रिलेक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ओबीसी के अंदर आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे जो है 5 साल की जो छूट है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि एज लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे खासी मिल जाएगी। आवेदन शुल्क है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो किस प्रकार से रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका नॉर्मल मेडिकल होगा और लास्ट में आपको जो फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 4 फेजेज में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे रहने वाला है। होमगार्ड के अंदर भर्ती जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, आने वाले जून के 1st या 2nd वीक में आपको जो है देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नई सरकार जो है आपको जून के अंदर देखने को मिलेगी। और जैसे ही यहाँ पे आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद में यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई भी अपडेट आती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की नई भर्तियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।